न्यूज़ क्लिक की तरफ से आज हम पहुंचे हैं लोक माता कुष्ठ आश्रम में। यहां पर तकरीबन 46 फैमिलीज़ हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। ये इलाका 3 साल पहले इस तरह से बसाया गया ट्रांजिट कैंप है। इससे पहले ये लोग कठपुतली कॉलोनी के पास रहते थे। ये आनंद पर्वत में पड़ता है, आनंद पर्वत थाना बगल में है। और यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना का संकट हुआ है, उसके बाद से भीषण संकट आजीविका का है, रोजी रोटी का है। ये इनमें से अधिकांश जो कुष्ठ रोगी हैं वह अपना गुजारा बैगिंग करके करते थे। उनके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो छोटे मोटे काम करते थे। सब कुछ बंद है अभी। क्या नाम है आपका? शैली। शैली जी, कब से आपको कुष्ठ रोग है? ये बचपन से है, मतलब मैं 10 साल का उम्र में होंगी जब से आया। तब से? घर में और किसको किसको है? और घर में किसी को नहीं है। आपको कैसे हुआ? यहाँ दागी शुरू हुआ था, दागी से शुरू होकर हाथ पैर खराब होने लगा। अभी क्या हाथ दोनों आपके खराब है? पैर में भी है? पैर में भी है, जख्म होता है कभी कभी, अभी तो नहीं है, इधर होता है जख्म। कैसे गुजारा करती हैं आप अपना? मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। कहाँ पर? बाहर। बाहर यानी कहाँ पर? कहीं जैसा शादीपुर डिपो हो गया, करोल बाग हो गया, उधर उधर जाते हैं मांगने के लिए। अभी जब से ये कोरोना की बीमारी है, इसके बारे में क्या सुना है आपने? अभी तो हम लोग घर में बहुत बुरा हाल है, अभी हम मांगने नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को खाने के लिए भी बहुत तकलीफें हो रही है। इस ऐसे कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं, सब घर में रह रहे। अभी आपको मदद क्या क्या मिली है? मदद अभी हमको राशन उशन का मदद मिली है। क्या नाम है अम्मा आपका? इलम्मा। इलम्मा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के? आंध्र प्रदेश में कहाँ से हैं? बहुत दिन हो गए इधर आके, वारंगल तरफ से। वारंगल तरफ से? यहाँ ज़्यादा लोग प्रदेश के हैं? सारे लोग? सारे लोग आंध्र प्रदेश के हैं। अभी जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें क्या सबसे मुश्किल है आपको? पानी का मुश्किल है, बहुत कमी पानी आता है, पानी का मुश्किल बहुत कमी है, बहुत कमी, मुश्किल से पानी मिलता है। पानी कहाँ लेने जाना पड़ता है? इधर बाहर लेके जाके और रेड के ऊपर आता है ना पानी, टंकी के ऊपर, टैंकर के ऊपर 20 रुपये लेके आता है। अच्छा। 10-20 रुपये लेके देता है, 4-5 बाल्टी, इधर भी 4-5 बाल्टी मिलता है, बस नहीं होता। आप भी कहीं जाती हैं या यहीं रहती हैं? नहीं, अभी बच्चे लोग को नहीं जाने देते। पहले जाती थी? पहले जाते थे। कहाँ पर? मांगने के जाते थे। जो भी हेल्दी पर्सन है ना, सारे यहाँ पे मजूरी का काम करने वाले, जो भी हेल्दी इनके बेटे बहू है, सारे जो भी काम बाहर मिलता था वही काम करते थे। लेकिन अब सबका काम बंद है, सबका रोजी बंद है, तो सबको अपना घर में रोजी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? भाई। कितने साल से हैं यहाँ पर? 50 साल चल रहे हैं। 50 साल चल रहा है। यहाँ कब आए? बहुत दिन है ना, मैंने कहा जाए तो 50 साल है तो चल रहे हैं। पहले वहाँ थे ना, कठपुतली कॉलोनी? 3 साल। हाँ, उधर आए। यहाँ के 30 साल लग गए। इधर 3 साल चल रहे हैं। 3 साल चल रहे। अभी जो लॉकडाउन है, इससे क्या मुश्किल हो रहा है? वो मुश्किल हो रहा है बेटी, क्या करना, मुश्किल है, कैसे भी जीना पड़ता है। अब सब बंद है ना बेटा, इधर जाना किधर आना, तो मुश्किल में। यहाँ पर है ना टोटल 52 फैमिलीज है। 52 फैमिली में से अभी 46 फैमिली अवेलेबल है, और 46 फैमिली में 140 तक मेंबर है सारे। अब इस लॉकडाउन में जैसे कि सारे यहाँ वाले लेप्रेसी पेशेंट हैं, और सारे बेगिंग करके अपना गुजारा करते हैं। जो हेल्दी पर्सन है वो सारे घरों में काम करने जाते थे या हाउसकीपिंग के काम के लिए जाते थे। जैसे लॉकडाउन के वजह से अभी सारे ही काम बंद है, कहीं बाहर निकल नहीं पाते, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कोई दानी आता है तो राशन वाशन दे देते हैं, तो उससे राशन से घर का तो खर्चा निकल जाता है, लेकिन ऊपरी खर्चे के लिए बहुत परेशानी होती है। मैं बाहर जाती थी, ऐसे ही घर का काम करने के लिए जाती थी, अब तो सबने मना कर रखा है तो घर में ही रह रहे हैं। कहाँ पर काम करते थे आप? पटेल नगर। पटेल नगर। कितना पैसा मिल जाता था आपको? मैम घर का काम के लिए जैसे
सारा काम करते हैं तो कोई 2000 देता है, कोई 3000 देता है, दो दो घर में काम करते तो 4000-5000 मिल जाते थे। अब वो सारे ने मना कर दिया तो हम लोग घर में ही रह रहे हैं। अब खुल जाएगा तो फिर जाएंगे? वो बुलाएंगे तो जाएंगे, अब तक तो पूछ रहे तो वो मना ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी नहीं आना। क्या नाम है भैया आपका? सीनू नाम है। सीनू। कितनी उम्र है? 24। आपके माता पिता यहाँ रहते हैं? मदर हैं, विडो हैं, और मैं खुद ही घर को चलाने के लिए काम करता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अभी बहुत तकलीफ़ है, दिक्कत है। जो सेविंग्स थी वो खर्च हो चुकी हैं। अब आगे की प्लानिंग है कि कैसे हमें मदद मिलेगी या कैसे काम होता है, उसके लिए हमें सोचना है या फिर हमें मदद चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत है और परेशानी है, रोज़मर्रा के लिए परेशानी है, नौकरियों के लिए परेशानी है। क्या काम करते थे आप? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता था, प्राइवेट कंपनी में, ओखला में। वो लॉकडाउन की वजह से जॉब जा चुकी है, और उससे वो जॉब चली गई है या? हाँ जी, कॉस्ट कटिंग में जॉब चली गई है। चली गई है जी मैम, चली गई। कैसे पता चला आपको? उन्होंने मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, हमारे पास काम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने लोगों की नौकरी गई यहाँ से? हम इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लड़के वो लोग बता सकते हैं, जैसे हैं आप इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। कई लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, क्योंकि किसी का अपना काम था, कोई पेंट्री वर्कर था, कोई हाउसकीपिंग था, कोई हार्ड लेबरिंग काम करने वाला बंदा था, ऐसे। तो सबके साथ कोई ना कोई इशू है लॉकडाउन जब से हुआ है, और सारे एक्सपेंसेस हमारे जो चलते थे वो अब नहीं चल पा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, कोई सर्विस या छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम लेपरे से घर से आते हैं, अगर उनको पता लग जाए तो वो मना कर देंगे। हम जैसे किसी के घर में अभी बर्तन धोने जा रहे हैं, अगर हम उनको बता दें कि हम लेप्रेसी पीड़ित समाज से आ रहे हैं या उनके घर से आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं। नरेश, क्या काम करते थे आप? प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट कंपनी में। कब काम छूटा? काम तो अभी लॉकडाउन से कुछ 10 दिन हुआ है, जब से उससे पहले ही। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, यूँ ही बस बोला काम वाम है नहीं है, बस आपको आना नहीं है, बस इतना ही बोला। फिर हमने वजह पूछे क्या कारण है, तो बोल रहे बस यूँ ही है, कुछ बोला ही नहीं जब से फिर बैठे, कुछ नहीं बोला। पैसा दे दिया उन्होंने? कितना पैसा मिलता था आपको? मेरे को मैम 9000 मिलते थे। मेरा नाम अशोक है, और मैं कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करता था मैडम, होल सेल रेट में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करता था, फैक्ट्री से माल उठा के दुकानदारों को देने का। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काम धंधा सब बंद पड़ा हुआ है। अभी जो पैसे जमा करके रखे थे इस टाइम खर्चा हो गया है, थोड़ा बहुत जो राशन मिल रहा है उससे काम चल रहा है, लेकिन अब आगे के बारे में सोचने में थोड़ी दिक्कत है कि आगे बच्चों की फ़ीस भरनी है, बच्चों की किताबें लेनी है, तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे का वही दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी मदद मिल जाए। घर में कौन कौन है? घर में मैं और मेरी बीवी और 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। बच्चों को मैंने स्कूल में डाला था अभी, तो अभी उनका नेक्स्ट ईयर अगले क्लास में जाने के लिए बुकें लेनी है। अब बुकें भी प्राइवेट की है तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब ये 2 महीने से घर में बैठे हैं तो कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, जो बचा कुचा था वो खर्च हो गया है। मैं साउथ इंडियन फूड का स्टोर लगाता था, और जो जब से लॉकडाउन हुआ मेरा काम में बहुत असर, काम बंद हो चुका है, और थोड़े मेरे स्कूल में लड़के स्कूल में पढ़ते 2 लड़के, और उसका स्कूल में फ़ीस भरने का भी डर हो रहा है, कहीं फ़ीस मांगे मैं कहाँ से दे पाऊँगा, और बच्चों घर में जो खर्चा था चलता था वो बंद हो चुका है, जो मेरे पास सेविंग था सब खत्म हो चुका है, बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को उससे। घर में कोई और भी काम करते थे? नहीं, मैं अकेला, मैं मेरी फैमिली अलग है, मैं अलग रहता था, मम्मी अलग रहती है, मम्मी अलग, उसमें मेरी मम्मी को भी देखना, मेरे को भी फैमिली बच्चे लोग को भी देखना, बड़ी दिक्कत होती है। अभी क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा? हाँ मुश्किल तो होएगा ही, हम लोग तो जैसे काम घर पे कुटियों में काम करने वाले हैं, बच्चे अभी राशन पड़ी तो दाल चावल थोड़ा बहुत आ रहा है, वो खाना बना के खाने में ठीक है, पर दूध वगैरह बच्चों कुछ लेने देने में पैसे का बहुत दिक्कत होगा। काम करते थे मेरे हस्बैंड हाउसकीपिंग के लिए जाता काम पे, और मैं घर में कोठियों में काम करती हूँ। अभी जहाँ काम करती थी वहाँ नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, मना कर रही ना मैम जी, ऐसा वायरल चल रहा करके। अभी 1 महीना, फिर 1 महीना 15 दिन थोड़ा रुक के आ जाओ, कोई बात नहीं, पर रुक के आ जाना, छोटे छोटे बच्चे करके मना करते हैं वो लोग कोठियों में इधर जा। न्यूज़ क्लिक के ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा कि कुष्ठ रोग को लेकर जो स्टिग्मा है वो अभी तक किस तरह से मौजूद है, और लॉकडाउन और उसको लेकर जो राहत का पूरा पूरा काम चल रहा है
वह भी कितनी कम यहाँ तक पहुँची है। बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियाँ गई हैं, जो लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के एजेंडे पर ये लोग नहीं हैं।